सो वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। और ये जो हमारी कलर ग्रेडिंग की सीरीज चल रही है, ये उसका दूसरा एपिसोड है। और अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो, नहीं तो आपको ये वाला एपिसोड समझ नहीं आएगा। और अब हम चलते हैं अपने लाइट रूम की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं अपने लाइट रूम में, और ये वही फ़ोटो है जो हमने पिछले एपिसोड में यूज़ की थी। और पिछले एपिसोड में हमने इसकी लाइट्स को एडजस्ट करना सीखा था, तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो अब हम उसके बाद इसके वाइट बैलेंस को सेट करेंगे। तो वाइट बैलेंस में चार चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर, टेंट, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। तो इसमें एक ऑटो का ऑप्शन होता है, अगर आप ऑटो पे क्लिक कर दोगे तो ये अपने अकॉर्डिंगली सेट कर देगा ये वाइट बैलेंस। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप अंडू कर सकते हो। उसके बाद एक कलर पिकर का ऑप्शन होता है, इसको आप किसी भी जगह पे छोड़ सकते हो और इसकी टोन्स चेंज होती रहेंगी। जिस जिस कलर पे आप छोड़ोगे उसके हिसाब से, ये देखो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको यूज़ मत ही करो इन दोनों ऑप्शन को, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। वैसे आप मैनुअली सेट करना सीखो तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले हम इसका टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। आप टेम्परेचर के स्लाइडर को राइट साइड पे लेके जाओगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा वार्म टोन में आ जाएगा, और दूसरी साइड लेके जाओगे तो कूल टोन में आ जाएगा। तो इसको आपकी फ़ोटो के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपकी फ़ोटो येलोइश ज़्यादा लग रही है तो आप इसको ब्लू साइड ले जाओ, और अगर ब्लू लग रही है ज़्यादा तो येलो साइड ले जाओ। तो मेरे को थोड़ी फ़ोटो ब्लू लग रही थी तो इसलिए मैं थोड़ा इसको येलो के साइड में रखूँगा, बहुत थोड़ा सा। और टिंट को अगर आप राइट साइड लेके जाते हो तो ये पिंक हो जाएगा पूरी फ़ोटो, अगर लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो मैं इसको आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंग रखना है, तो मैं इसको थोड़ी ग्रीन साइड में रखूँगा। और वाइब्रेंस आपके उन कलर्स को बढ़ाती है जो कलर्स फ़ोटो में बहुत ज़्यादा, कि ओवरऑल फ़ोटो के कलर नहीं बढ़ाती, लेकिन ये सिर्फ उन कलर्स को बढ़ाती है जो फ़ोटोज़ में कम है। और जो सैचुरेशन है वो ओवरऑल फ़ोटो के कलर्स को पूरा ब्राइट करती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप वाइब्रेंस बढ़ा रहे हो तो सैचुरेशन को थोड़ा कम ही रखो। तो ये हो जाता है यहाँ पर हमारा वाइट बैलेंस का काम पूरा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है कलर मिक्सिंग का। तो इन सेटिंग्स में आप हर एक कलर के फ़ोटो को सिलेक्टिवली करेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको पूरे टोटल 8 कलर दिख रहे होंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, पर्पल और मजेंटा या पिंक कलर। तो इनमें तीन सेटिंग्स होती हैं, एक होती है यू। अगर आप यू होता है कि आप इसके कलर को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। और उसके बाद सैचुरेशन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में। और लुमिनेंस इसकी लाइटिंग को कंट्रोल करती है, इस कलर में को आपको कितना डार्क रखना और कितना ब्राइट। सो रेड कलर को हमने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद हम ऑरेंज कलर पे आएंगे। और सब में ये स्टेप सेम ही हैं सब स्टेप्स, बस आपको इनको अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग रखना है, आपको बस चेक करना है। और ये ऑरेंज कलर आपकी स्किन का है तो इसकी लुमिनेंस आप थोड़ी सोच समझ के ही बढ़ाना, ताकि ये थोड़ी फेक ना लगे। और उसके बाद अब हम जल्दी जल्दी से इन सब की सेटिंग्स कर लेते हैं। हमारी कलर मिक्सिंग हो गई अच्छी से, और जो इसके बाद जो स्टेप आता है वो है हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज़। तो सबसे पहले हम शेडोज़ में कलर डालना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें अपने स्प्लिट टोन खोलना पड़ेगा। तो इसके बाद हम शेडोज़ में कलर डालना सीखेंगे। आपको यहाँ पे शेडोज़ दिखा हुआ दिख रहा होगा, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो इसकी सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी। और ये बिल्कुल सेम ही है कलर मिक्सिंग की तरह ही है, यू, सैचुरेशन और लुमिनस हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक कलर व्हील भी मिलता है, आप उससे भी आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनकी सेटिंग कर्सर से करो। सो इसलिए हम इसका यू पहले ज़ीरो कर लेते हैं। और सबसे पहले जो स्टेप है हाईलाइट्स और शेडोज़ और मिड टोन को एडजस्ट करने का, सबसे पहले आप इसकी सैचुरेशन बढ़ा दीजिए और यू के डायलर को मूव करना शुरू कर दीजिए। और जहाँ पर आपको ये कोई टोन अच्छी लगे उस टोन को आप रख सकते हो, और इसकी सैचुरेशन भी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो लुमिनेंस है, आपको देखना है कि आपको अपनी शेडोज़ में लुमिनेंस ज़्यादा रखनी है, मतलब लाइट ज़्यादा रखनी है कम रखनी है। तो
उसको अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ब्लेंडिंग का है, और ब्लेंडिंग कलर व्हील के ऑपोजिट कलर को आपको मिक्स करने के लिए दे देती है। आपको जितना कलर अपनी शेडो में रखना है वो सपोर्ट कर सकती है ये। और जो बैलेंस है, बैलेंस भी इसकी तरह ही सेम काम करता है, तो हम बैलेंस को भी स्लाइडर्स को मूव करके देख लेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है शेडोज़ ख़त्म करने के बाद जो आता है वो है मिड टोन्स। तो मिड टोन आपके ना हाइलाइट्स होते हैं और ना शेडोज़ होते हैं, जो उनके बीच का पार्ट होता है उनको हम मिड टोन्स कहते हैं। तो उसमें कलर डालना है और प्रोसीजर सब सेम ही है। सबसे पहले सैचुरेशन बढ़ाएंगे और उसके बाद यू के स्लाइडर को मूव करेंगे, और जहाँ पर आपको अच्छा लगेगा वहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हो। और उसके बाद सारी सेटिंग सेम ही रहेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा वो आएगा हाइलाइट्स। तो अब हम हाइलाइट्स के पैनल पर जाएंगे और हाइलाइट्स की एडजस्टमेंट करेंगे अपनी सेम टेक्निक के साथ। सबसे पहले हम उसकी सैचुरेशन बढ़ाएंगे और उसके बाद यू के स्लाइडर को मूव करेंगे और चेक करेंगे कहाँ पे टोन अच्छी लग रही है। और उसके बाद देखेंगे हम इसको कैसे एडजस्ट करना है, और जहाँ पे हम सेटिस्फाई होंगे हम इसको छोड़ देंगे। इसकी ल्यूमिनेंस वगैरह आप खुद अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस टिप मिलेगी एडिटिंग के रिलेटेड ही, स्प्लिट टोनिंग के रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और अगला एपिसोड आएगा अगले संडे। तो आज हमने सीखा है कलर मिक्सिंग, वाइट बैलेंस और स्प्लिट टोन को। तो अच्छे से आप सब इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अगर आप चाहते हो तो ये सेटिंग्स अपनी फ़ोटो में कॉपी भी कर सकते हो इस वीडियो को देख देख के, और अपनी फ़ोटो को भी ऐसा सा बना सकते हो। तो अब बारी है बोनस टिप की, तो चलिए चलते हैं बोनस टिप की तरफ। तो आज की बोनस टिप ये है कि जब भी आप अपने फ़ोटो में स्प्लिट टोन का यूज़ करें तो आप अपनी हाइलाइट्स में जो कलर डाल रहे हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट अपने शेडोज़ में कलर डालें। मान लीजिए अगर आपने येलो कलर अपने हाइलाइट्स में डाला है तो पर्पल कलर अपनी शेडो में डालें, और अगर ग्रीन कलर अपनी शेडोज़ में डाल रखा है तो रेड कलर अपनी हाइलाइट्स में डालें। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो संडे को आएगी। सो टेक केयर, गुड बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।